हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की हिंदी का हमारा एक और नया चैप्टर, ठीक है, हिंदी के यूपी बोर्ड क्लास 9 की हिंदी का, हिंदी के काव्य खंड का एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जो था हमारा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन। ठीक बच्चों, तो प्रीवियस वीडियो में भाग एक में हम लोगों ने पुनर्मिलन की कुछ व्याख्याओं को हम लोगों ने देखा था और समझा था। आशा करता हूँ उस भाग में पढ़ाया गया व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक तो बच्चों, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज पुनर्मिलन के आगे के भाग को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग बची हुई पुनर्मिलन की व्याख्या को देखेंगे। तो बच्चों चलिए, बिना किसी देरी के हम आपकी व्याख्या को प्रारंभ करते हैं और उसकी सुंदर सुंदर पंक्तियों को पढ़ते हैं और व्याख्याओं को समझते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो की हमारी जो व्याख्या है, जो हमारा पहला पद्यांश है, वो है जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की राटे, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था मिलता है विश्राम यही, चली इड़ा के साथ जहाँ पर वहीं सिखा प्रज्वलित रही। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि इड़ा जो है श्रद्धा मनु को, श्रद्धा और उनके पुत्र को आता हुआ देख करके उन्हें रोक लेती हैं और उनसे उनके कष्टों की गांठ को खोलने के लिए कहती हैं, उनके कष्टों को समझने बताने के लिए वह बोलती हैं। तो उसी के पश्चात होता क्या है, इड़ा श्रद्धा को बताते हैं, समझाते हुए कहती हैं कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, कि जीवन क्या है, ये जो जीवन हमारा चल रहा है, इस लंबे जीवन की यात्रा में जो व्यक्ति हमसे खो गए हैं वह व्यक्ति भी हमको प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें, और कहते हैं कि अगर जीवन रहा तो जीवन में कभी मिलन है तो कभी बिछोह है, ठीक है, और मिलन और बिछोह में क्या होता है कि अगर आप मिलन हो जाता है तो आपकी यह जो दुख की रातें हैं वह दुख की रातें पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं और दुख की रातें खत्म हो जाती हैं। आगे क्या है, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, श्रांत का अर्थ होता है बच्चों थका हुआ, तो श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था मिलता है विश्राम यही। और क्या होता है, इस इड़ा की इस प्रकार की बातों को सुन करके जो श्रद्धा है वह इड़ा के पास रुक जाती हैं, और जो उनका पुत्र था, ठीक है, जो उनका पुत्र था वह भी काफ़ी थका हुआ था, तो दोनों मिलकर के इड़ा के कहने पर वहीं पर रुक करके विश्राम करते हैं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश समझ में आया होगा। आगे क्या कहते हैं, आगे है बच्चों कि चली इड़ा के साथ जहाँ पर वहीं शिखा प्रज्वलित रही, सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती, और वही मनु घायल ससुस तो क्या सच स्वप्न रहा, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। क्या है कहानी बच्चों, अब आगे क्या है कि चली इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, कि अब प्रातःकाल होती है, प्रातःकाल इड़ा के साथ श्रद्धा और उनका पुत्र चलने लगता है और उसी ओर चलता है जहाँ पे एक धधकती हुई ज्वाला, प्रज्वलित ज्वाला दिखाई दे रही थी। ठीक बच्चों, क्या होता है, प्रातःकाल होती है, विश्राम करने के पश्चात प्रातःकाल में जो इड़ा के साथ जो श्रद्धा जी हैं और जो उनका पुत्र है वह उसी ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते, उसी ओर चलना प्रारंभ कर देते जहाँ पे ज्वाला धधकती हुई जल रही थी। आगे क्या है बच्चों, आगे क्या है, सहसा धधक की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, और सहसा जो धधक रही थी, जो ज्वाला धधक रही थी, जो ज्वाला जल रही थी, वह जो मंडप था उस मंडप को चारों ओर अवलोकित कर रही थी, अर्थात प्रकाशमान कर रही थी। कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती, और कामायनी जो थी अर्थात जो श्रद्धा थी वह यह सब कुछ देख करके डग भरते हुए यानी धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है, और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। अब क्या होता है कि जब वो वहाँ पहुँचती तो वहाँ पे मनु को देखती हैं और कहती हैं वही मनु, ये तो मनु है, ठीक है, घायल सचमुच, या तो सचमुच में घायल है, तो इसका मतलब यह है कि जो मैंने स्वप्न देखा था वह स्वप्न बिल्कुल ही सच था। ठीक बच्चों, यहाँ तक कहानी समझ में आई, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है पूरी लाइन को, कि जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था मिलता है विश्राम वहीं, यही चली इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती,
कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आगे है कि इड़ा श्रद्धा को समझाती हैं कि जीवन में मिलन और बिछो तो रहता है, अगर जीवन रहा ठीक है तो इस लंबी जीवन की लंबी यात्रा में जो खोए हुए हैं वह भी हमें प्राप्त हो जाते हैं ठीक है, और जो दुख की रातें हैं वह भी समाप्त हो जाती है उस प्रियजन के मिल जाने से। श्रद्धा ईड़ा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के जो श्रद्धा हैं वह रुक जाती हैं और जो उनका पुत्र था वह भी थका हुआ था तो वह सभी लोग ईड़ा की बात मान करके वहीं पर रुक करके विश्राम करते हैं। प्रातःकाल होते ही ईड़ा श्रद्धा और उनका जो पुत्र था वह तीनों उस ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं जिस ओर ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी, और ज्वाला जहाँ जिस ओर प्रज्वलित हो रही थी उसी ओर ईड़ा श्रद्धा और उनका पुत्र आगे बढ़ रहे थे। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, और उस मंडप में जो भी ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी वह ज्वाला उस मंडप को चारों ओर अवलोकित कर रही थी, प्रकाशमान कर रही थी। कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। और वह जब वहाँ मंडप में पहुँचती तो वहाँ देखती हैं कि सचमुच वहाँ पर जो धीरे धीरे डग में वह धीरे धीरे जब चलते हुए और मंडप तक पहुंचती है तो श्रद्धा देखती है कि सचमुच वही मनु अर्थात वहाँ पर मनु घायल बैठे लेटे हुए थे, और वह कहती हैं कि इसका तात्पर्य है कि जो मैंने स्वप्न देखा था वह बिल्कुल सच था। आगे क्या होता है, अह प्राण पिए यह क्या तुम यो खुला हृदय बन निर्वाह, और वह आहें भरते हुए श्रद्धा कहती हैं कि अरे प्राण पिए यह क्या हुआ और यह आपके साथ कैसे हुआ, इस प्रकार का वह प्रश्न करती हैं। खुला हृदय बन नीर बहा, और जो उनका हृदय था वह अत्यंत कष्ट से भर गया, और उनका कष्ट से भरे हृदय का जो कष्ट था वह उनके आँखों से नीर अर्थात आंसू के रूप में बहने लगा। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, और ईड़ा जो थी यह सब देख करके क्या हो जाती है, अत्यंत चकित हो जाती है। श्रद्धा जाकर के मनु जी के पास बैठ जाती है, वही थी मनु को सहलाती, और श्रद्धा मनु को जाकर के सहलाने लगती हैं प्रेम से। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती, और जब श्रद्धा की इस प्रकार के प्रेम रूपी स्पर्श जब उन्होंने प्रेम के साथ मनु को स्पर्श किया तो मनु जो मूर्छित थे उनके अंदर चेतना आने लगती है, और जो उनका उनकी जो व्यथा थी वह भी कम हो जाती है। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन है, और मूर्छित मनु के अंदर क्या होता है स्पंदन आता है, हलचल आती है। आंखें खुली चार कोनों में चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए, और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने जब श्रद्धा को देखा तो श्रद्धा को देखते ही उनके नेत्रों में भी क्या होते हैं आंसू भर आते हैं। क्या है बच्चों पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। अह प्राण पी यह क्या तुम यो खुला हृदय बन नीर बहा, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी वह भी थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। अब क्या है कि जब श्रद्धा जी मनु जी की इस प्रकार की हालत देखती तो आकर चकित हो जाती ठीक है, तो कहती आह मेरे प्राण पिए, अरे मेरे प्राण पिए यह क्या हो गया आपके साथ और ये कैसे हुआ, और इस प्रकार से मनु की स्थिति को देख करके उनका जो हृदय है वह कष्ट से भर जाता है और उनके नेत्रों से जल की धारा जो होती है वह बहने रखती है। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, और ईड़ा यह सब देख करके अत्यंत चकित हो जाती है, और जो श्रद्धा है वह जाकर के मनु जी के पास बैठ जाती है, वही थी मनु को सहलाती, और वह मनु जी को प्रेम के साथ सहलाने लगती हैं। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती, और इस प्रकार के मधुर स्पर्श से जो भी मनु जी के जो भी व्यथाएँ थी जो भी कष्ट था जो भी दर्द था वह भी क्या होने लगा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन है, और मूर्छित मनु के अंदर इस प्रकार से प्रेम रूपी स्पर्श के कारण क्या होने लगती है स्पंदन होने लगती है, हलचल होने लगती है। आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए, और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने जब श्रद्धा जी को अपने सम्मुख देखा तो उनके नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगती है। आगे क्या है, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए। अब आगे क्या है, उधर कुमार देखता ऊंचे, और जो कुमार था जो उनके साथ पुत्र आया हुआ था उनका श्रद्धा जी का, वह क्या कर रहा था मंदिर मंडप और वेदी को देख रहा था, और वह उस मनोहर दृश्य को देख करके सोच रहा था कि अरे ऐसा भी कुछ होता क्या, ये तो मेरे लिए बहुत ही नया है। लिखा ना यह सब क्या है नया मनोहर, कि वह प्रश्न अपने आप में ही खो जाता है कि ये सब कुछ नया नया क्या चीज़ें हैं
ठीक है। तो उधर कुमार देखता ऊंचे मंडी मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे, ये लगते जी को। और वो जब एक और श्रद्धा जी का जो पुत्र है वह खड़ा रहता है, वह मंदिर मंडप को देखता रहता है, वेदी को देखता है, और वह अत्यंत चकित होता है और वह सोचता है कि यह क्या है जो मेरे जी को बहुत ही अलग सा लग रहा है। ठीक, माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए, पिता आ गया ये लोग कहते उसके रोए खड़े हुए। और माँ ने अपने पुत्र को बुलाया कि हे पुत्र आ देख तेरे पिता यहाँ पे पड़े हुए हैं। माँ ने कहा अरे तू आ तू भी देख पिता है पड़े हुए, पिता आ गया यह लो, पिता आ गया यह लोग कहते उसके रोए खड़े हुए। अब जैसे ही श्रद्धा जी ने कहा कि यह तुम्हारे पिता हैं, ठीक है, तो जो उनके पुत्र थे, ठीक, वह पुत्र भी मनु जी को देखते हैं और पिता कहते हैं और उनके रोए भी खड़े हो जाते हैं कि अरे यह तो मेरे पिता हैं। ठीक, आगे क्या है, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सोना मंडप या सजीवता रही कहाँ, आत्मीयता खुली उस घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर पर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। अब क्या होता है कि जब मनु श्रद्धा जी के पुत्र को पता चलता है कि वह उनके पिता हैं, तो वह पुत्र अत्यंत व्याकुलता के साथ अपनी माँ से कहता है कि माँ जल दे, माँ पिताजी को तू जल दे, कुछ प्यासे होंगे, पिताजी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही है तू, यहाँ बैठ करके क्या कर रही है, मुखर हो गया या सोना मंडप या सजीवता रही का। और जब वह उस प्यारे से सुकुमार बालक ने इस प्रकार के वचनों को बोला तो उस सुनसान मंडप में सजीवता आ गई। ठीक है, जब बालक बोलते हैं तो चारों ओर खुशहाली आ जाती है, तो उसी प्रकार से जब उस बालक ने बोला इस प्रकार के वचनों को तो उस पूरे मंडप में क्या आती है, सजीवता आ जाती है, एक नया जीवन आ जाता है। ठीक, आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना, और उसी मंडप में क्या होती है, आत्मीयता घुल जाती है और वहाँ पर ही श्रद्धा मनु इड़ा और उनके पुत्र का एक छोटा सा परिवार बन जाता है। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना, और क्या होता है कि छाया एक मधुर स्वर उस पर और उस पूरे वातावरण में एक मधुर संगीत, एक मधुर स्वर में एक संगीत क्या हो गया, छा जाता है, श्रद्धा का संगीत में, जो श्रद्धा का संगीत बन जाता है, श्रद्धा के लिए संगीत बन जाता है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश समझ में आया होगा आपको। पुनः एक बार देख लेते हैं क्या है, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता है पड़े हुए, पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सोना मंडप या सजीवता रही कहाँ, आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। ये क्या होता है कि जो श्रद्धा जी का पुत्र था वह मंदिर मंडप और वेदी को देख करके अत्यंत चकित था और उस मनोहर दृश्य को देख करके उसका जो जी था वह भी अलग सा कह सकते हैं कि जो उनका कैसे ये लगते जी को, जो उसका मन था, उनके मन को वह बड़े ही अलग से प्रतीत हो रहे थे। माँ ने कहा ठीक है, और इसके पश्चात श्रद्धा जी कहती है कि हे पुत्र यहाँ देख तेरे यहाँ पिता पड़े हुए हैं। जैसे ही पुत्र ने सुना कि यह उनके पिता पड़े हुए तो उसके रोए भी क्या होते हैं, रोमांच से खड़े हो जाते हैं। और पिता की इस प्रकार की हालत को देख करके पुत्र कहता है कि माँ जा पानी ला, पिताजी कुछ प्यासे होंगे, तू यहाँ बैठ करके क्या कर रही है। जैसे ही उस कोमल छोटे से सुकुमार बालक ने इस प्रकार के वचनों को बोला तो उस सुनसान आजीवित मंडप में सजीवता आ गई, वह पूरा मंडप सजीव हो गया और वहाँ पे आत्मीयता घुल जाती है। और आत्मीयता घुल जाने के बाद वहाँ पे इड़ा श्रद्धा मनु और उनके पुत्र का एक छोटा सा परिवार वहाँ पर बन जाता है और उस पूरे वातावरण में एक सुंदर और स्वर मधुर स्वर में एक संगीत छा जाता है। और यह संगीत जो था श्रद्धा का संगीत बना, और यही जो संगीत था यह श्रद्धा का संगीत बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश बच्चों आप सभी को समझ में आए होंगे। तो इसी पद्यांश के साथ बच्चों हमारा जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन पद्यांश था, वह पुनर्मिलन पद्यांश का हम लोगों ने संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या को इस भाग में देख लिया। तो इसी के साथ बच्चों आपकी क्लास 9th का काव्यखंड का एक और पार्ट क्या होता है, पूरा होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों व्याख्या आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो व्याख्या अगर बच्चों आपको समझ में आई है तो वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें और इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।